नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल वेटो सक्सेस पर। और आज आपके लिए जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपडेट निकल के आता है एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डे की वैकेंसी की तरफ से। फ्रेंड्स, ये एक स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है जो कि एवरी ईयर एसएससी के थ्रू निकलती है। आपको पता होगा कितनी अच्छी ये वैकेंसी होती है। एवरी ईयर इसके लिए भी बहुत सारे कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करते हैं। तो चलिए आगे इस वीडियो में हम इसी वैकेंसी के रिगार्डिंग थोड़ा डिटेल से बात करने वाले हैं। देखेंगे कि इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रखा हुआ है, यानी कि जब आप इसको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। साथ ही इसमें आपकी एज लिमिट क्या मांगी हुई है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा हुआ है, एग्जाम पैटर्न क्या है, एग्जाम सिलेबस क्या है, कौन कौन कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिन लोगों को नहीं पता कि स्टेनोग्राफी क्या होती है, तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल से बताने वाला हूं कि स्टेनोग्राफी क्या होती है, कैसे इसका प्रोसीजर होता है, कैसे इसका स्किल टेस्ट होता है। तो जितने भी आपके स्टेनोग्राफी को लेकर डाउट बन रहे होंगे, इस वीडियो को देखने के बाद आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। साथ ही हम इसकी सैलरी के बारे में बात करेंगे, सिलेक्शन होने के बाद आपको किस डिपार्टमेंट में अपॉइंट किया जाएगा, आपकी इन हैंड इनिशियल सैलरी क्या रहने वाली है ग्रेड सी में और ग्रेड डी में। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखें क्योंकि ये वैकेंसी आपके लिए बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं, जो एसएससी स्टेनोग्राफर की वैकेंसी निकलती है आपकी दो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में निकलती है। एक आपकी इसमें ग्रेड सी की वैकेंसीज होती हैं, एक आपकी इसमें ग्रेड डी की वैकेंसीज होती हैं। जो आपका ग्रेड सी है वो आपका थोड़ा अपर लेवल का होता है, जिसमें आपको अपॉइंट थोड़ी हाई लेवल की मिलती है, सैलरी भी आपको इसमें काफी ज्यादा मिलती है सिलेक्शन होने के बाद। ग्रेड डी की जो वैकेंसी है वो आपका थोड़ा लो लेवल का होता है, जिसमें आपकी सैलरी थोड़ी कम होती है और अपॉइंटमेंट आपके थोड़े नीचे वाले लेवल पर होती है, लेकिन वैकेंसी दोनों ही काफी अच्छी है। जो ग्रेड सी की वैकेंसी वो टेक्निकली ग्रुप बी की वैकेंसी है, और जो ग्रेड डी की वैकेंसी है वो टेक्निकली ग्रुप सी की वैकेंसी है। तो आप देख सकते हैं आपको इसमें सैलरी क्या मिल सकती है। वैसे मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या इसमें आपको सैलरी मिलती है, किस किस डिपार्टमेंट में आपको अपॉइंट किया जाता है, क्योंकि मैं भी खुद एक स्टेनोग्राफर ही हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करें इसकी वैकेंसीज के बारे में। तो इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज अभी मेंशन नहीं किया, लेकिन कुछ दिन बाद इसका एक और शॉर्ट नोटिस आएगा जिसमें इसकी वैकेंसीज के बारे में डिटेल मिल जाएगी। तो आप नेक्स्ट नोटिस का भी वेट जरूर करें। तो चलिए अब बात करते हैं इसके कुछ इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में। जो इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हुए हैं वो आपके कल से, यानी कि 20 सितंबर 2019 से हो चुके हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो आपकी 18 अक्टूबर 2019 रखी हुई है। जो आपका इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है वो आपका इसमें 5 मई से लेकर 7 मई 2020 में होने वाला है, यानी कि आज से आपके पास काफी टाइम है इसकी प्रिपरेशन करने के लिए। अब बात करते हैं इसके ऑनलाइन फॉर्म फीस के बारे में। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए यहाँ पर केवल 100 रुपए रखे गए हैं। एसटी एससी और फीमेल की सभी कैटेगरी के लिए यहाँ पर कोई भी फॉर्म फीस नहीं रखी गई है। इन तीनों कैटेगरी वालों के लिए यहाँ पर फॉर्म बिल्कुल फ्री रखा हुआ है, तो आपको यहाँ पर काफी बेनिफिट मिल जाता है। बात करें इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, सबसे पहले इसकी एज लिमिट को देख लेते हैं। जो आपकी इसमें ग्रेड सी की वैकेंसी है उसकी जो आपकी एज लिमिट रखी गई है वो आपकी 18 टू 30 ईयर होनी चाहिए। ग्रेड डी के लिए आपकी 18 टू 27 ईयर रखी गई है, और जो आपकी इसमें एज कैलकुलेट होगी वो आपकी एज ऑन 1 जनवरी यानी कि 1 जनवरी 2020 तक होने वाली है। तो जिन लोगों की अभी तक 18 एज नहीं हुई है तो वो भी इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर आपको बेनिफिट मिल जाता है। बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, तो इसमें आपने 12th किया हो, यानी कि आपने अगर इंटरमीडिएट यानी कि 12th पास किया हो 10+2, तो आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आपकी कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, केवल 12th पास मांगा जाता है ग्रेड सी और ग्रेड डी के लिए। तो चलिए फाइनली बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो सिलेक्शन प्रोसीजर आपका इसमें टोटल 3 स्टेज में होने वाला है। फर्स्ट स्टेज में आपका इसमें सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो कि आपका एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने वाला है। सेकंड स्टेज जो आपकी इसमें होगी वो आपका स्किल टेस्ट, जिसमें आपका स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा। थर्ड स्टेज जो होगी इसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फाइनल में आपकी कट ऑफ बनेगी, जिसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बात करें फर्स्ट स्टेज यानी कि आपका सीबीटी कैसे होगा। जो सीबीटी आपका इसमें होने वाला है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, 5 मई से लेकर 7 मई के बीच में आपका सीबीटी होने वाला है। तो इसमें आपके टोटल 3 डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपका फर्स्ट सब्जेक्ट है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जिससे आपको टोटल 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क दिया जाएगा, इसीलिए आपका जो रीजनिंग सब्जेक्ट है वो आपका 50 मार्क्स का होने वाला है। सेकंड आपका इसमें जनरल अवेयरनेस है, जिससे भी आपके 50 क्वेश्चन आएंगे। थर्ड आपका इसमें इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंपेरिजन है, जिससे आपके टोटल 100 क्वेश्चन आने वाले हैं 100 मार्क्स के अंदर, जिसमें आपके क्वेश्चन पेपर में टोटल 200 क्वेश्चन आने वाले 200 मार्क्स के अंदर। कंप्लीट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन आपकी 2 आवर रहने वाली है।
है, क्वेश्चन पेपर में आपकी नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स की रखी हुई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको पता चल ही गया होगा जो आपका पूरा क्वेश्चन पेपर है उसकी जो रीढ़ की हड्डी है वो आपका इंग्लिश सब्जेक्ट ही है, जिससे आपके 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर इंग्लिश के ऊपर अपना ज्यादा फोकस करना पड़ेगा अगर आपको इसमें सिलेक्शन चाहिए। तो फ्रेंड्स ये आपका इसमें एग्जाम पैटर्न होता है, एग्जाम को अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो उसके बाद आप सेकंड स्टेज में एंटर कर जाओगे जो कि आपका स्टेनोग्राफी टेस्ट होने वाला है। स्टेनोग्राफी के बारे में आपको सबसे पहले यही बात बताना चाहूंगा, जिन लोग को ये नहीं पता कि स्टेनोग्राफी क्या होती है, क्या इसका क्लोजर होता है, तो आप ये वीडियो एक बार जरूर देख ले, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके ये वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको कंप्लीट डिटेल से स्टेनोग्राफी के बारे में ही बताया कि क्या स्टेनोग्राफी होती है, कैसे इसका सिलेक्शन प्रोसेस या फिर आपका राइटिंग प्रोसेस होता है। फिर भी मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि कैसे आपका एसएससी में होने वाला है। तो यहाँ पर आपकी दो डिफरेंट ग्रेड है, सी ग्रेड और आपकी डी ग्रेड, दोनों के लिए ही आपका जो स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा आपका डिफरेंट होगा। सबसे पहले बात करते हैं ग्रेड डी के बारे में, तो इसमें सबसे पहले आपको शॉर्ट हैंड लिखनी होगी डी ग्रेड में। अगर आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप स्टेनो शॉर्ट हैंड किस में आप लिखना ज्यादा पसंद करते हैं। हिंदी वालों के लिए जो आपकी शॉर्ट हैंड की स्पीड होनी चाहिए वो आपकी 80 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, इंग्लिश वालों के लिए भी 80 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। ग्रेड डी वालों के लिए मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें आपको शॉर्ट हैंड में लिखना होगा, आपको 10 मिनट की एक डिक्टेशन बोली जाएगी जिसको आपको शॉर्ट हैंड में लिखना है 10 मिनट तक 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से। उसके बाद आपको ये कंप्यूटर पर टाइप करना होगा, हिंदी वालों को यहाँ पर 65 मिनट मिलने वाली है, इंग्लिश वालों को यहाँ पर 50 मिनट मिलने वाली है टाइपिंग करने का। जो आपने शॉर्ट हैंड में लिखा उसको आपको हिंदी या फिर इंग्लिश में कंप्यूटर पर ज्यों का त्यों टाइप कर देना है। तो ये आपका कंप्लीट प्रोसेस होता है, जिसके बाद आपका यहाँ पर रिजल्ट निकल के आता है कि आपने कितनी मिस्टेक की। मिस्टेक की जो आपकी इसमें छूट होती है लगभग 40 वर्ड्स की, यानी कि अगर आप 40 वर्ड गलत भी कर देते हो तो फिर भी आप यहाँ पर क्वालिफाई कर जाओगे, क्योंकि 40 वर्ड की इसमें छूट होती है। बात करें आपकी ग्रेड सी के बारे में, ग्रेड सी में आपकी हिंदी वालों की जो शॉर्ट हैंड की स्पीड होनी चाहिए वो आपकी इसमें 100 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, इंग्लिश वालों के लिए भी 100 वर्ड पर मिनट ही मांगी गई है। लेकिन इसमें आपको जो 10 मिनट की डिक्टेशन बोली जाएगी शॉर्ट हैंड में लिखने के बाद, जो आपको टाइपिंग का टाइम दिया जाएगा उसमें जो हिंदी वाले हैं उनको यहाँ पर केवल 55 मिनट दी जाएंगे टाइप करने के लिए, और जो इंग्लिश वाले हैं उनको यहाँ पर लगभग 40 मिनट दी जाएंगी टाइपिंग करने के लिए। तो फ्रेंड्स ये आपका कंप्लीट प्रोसेस होता है स्किल टेस्ट का। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज बताना चाहूंगा, जिन लोगों ने स्टेनोग्राफी आज तक नहीं सीखी है और वो इस फॉर्म को लेकर एक्साइटेड है, वो फॉर्म अप्लाई करना चाह रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि फॉर्म अप्लाई करने के बाद आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे, तो आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारा टाइम मिलने वाला है। आप देख सकते हैं फॉर्म अप्लाई करने के बाद 5 मई को तो आपका एग्जाम ही होने वाला है, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। अब ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अगर अब से भी अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हो स्टेनोग्राफी की, शॉर्ट हैंड की, तो आप 100% अपना जो स्किल टेस्ट है, स्टेनोग्राफी टेस्ट है, वो क्लियर कर लोगे, क्योंकि सब कुछ आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। ये मैं खुद के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं भी एक स्टेनोग्राफर ही हूँ, क्योंकि मैंने हिंदी की स्टेनोग्राफी सीखी हुई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर आपको अभी भी स्टेनोग्राफी नहीं आती आप फॉर्म अप्लाई करिए और तुरंत स्टेनोग्राफी सीखना स्टार्ट कर दीजिए। आप 100% स्टेनोग्राफी बहुत ही कम टाइम में सीख जाओगे अगर आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करते हो। तो फ्रेंड्स ये आपका प्रोसेस होता है थर्ड स्टेज, अगर आप इसके स्किल टेस्ट क्वालिफाई कर लो तो थर्ड स्टेज के लिए आपको बुलाया जाएगा, जो कि आपका नॉर्मल सा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, जिसमें आपको सभी अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने होते हैं, जिसके बाद आपका फाइनल कट ऑफ बनेगी। अब फाइनल कट ऑफ जो आपकी बनेगी वो आपके सीबीटी के मार्क्स के अकॉर्डिंग बनेगी, यानी कि जितने भी मार्क्स आपने अपने सीबीटी में ऑब्टेन किया है उसी के अकॉर्डिंग फाइनल मेरिट कट ऑफ, यानी कि जो कट ऑफ है वो आपकी क्रिएट की जाएगी, जो कि ग्रेड सी और ग्रेड डी दोनों कैटेगरी के लिए डिफरेंट रहेगी। अगर आप उस कट ऑफ को यहां पर क्वालिफाई कर ले तो फाइनली आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, जिसको भी आपने अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस दी है सी या फिर डी को, तो उसके लिए आपके यहां पर सिलेक्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स बड़ा इजी सा है सिलेक्शन प्रोसेस, केवल आपको यहां पर एग्जाम के नजरिए से अगर देखे आपको इंग्लिश में फोकस करना है और आपको शॉर्ट हैंड पर अपना फोकस बनाए रखना है अगर आपको इसमें सिलेक्शन लेना है। अब बात करें कि आपको उसमें डिपार्टमेंट कौन कौन से मिलते हैं, तो काफी डिपार्टमेंट के बारे में तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन में डिटेल दिया है। आपको इसमें सेंट्रल सेक्रेटरिएट, यानी कि जो आपका केंद्र सचिवालय होता है, और बाकी के आपके जितने भी सचिवालय हैं वहां पर आपको मिल सकते हैं, या फिर आपको सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट या फिर आपके बी आर ओ जो आपका बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है,
काफी सारे डिपार्टमेंट है, जितने भी आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर डिपार्टमेंट आते हैं, क्लरिकल डिपार्टमेंट, उसके अंदर यहाँ पर आपको एज अ स्टेनोग्राफर अपॉइंट किया जाता है। बात करें सैलरी के बारे में, जो आपके यहाँ पर ग्रेड सी है, अगर उसके लिए आपका सिलेक्शन हो जाता है तो इसमें आपको लगभग 45,000 के आसपास सैलरी मिलेगी, क्योंकि ग्रुप बी की पोस्ट है। अगर आपका ग्रेड डी के लिए यहाँ पर सिलेक्शन होता है उसमें लगभग आपको लगभग यहाँ पर 36,000 के आसपास सैलरी मिल जाएगी। बहुत ही अच्छी सैलरी आपको इसमें मिलती है अगर आप स्टेनोग्राफी का ये क्लियर कर गए एसएससी स्टेनोग्राफी, तो यहाँ पर आपकी लाइफ सेट हो जाएगी, क्योंकि फ्रेंड्स बड़ा ही कंफर्ट कि यहाँ पर आपका जॉब रहेगा और लाइफ ऑटोमेटिकली कंफर्टेबल आपकी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये था आज की वीडियो में, अगर आपका अब भी कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी कमेंट का आंसर करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना जो लोग एसएससी स्टेनोग्राफर की वैकेंसी के बारे में और डिटेल से जानना चाहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। Oh, 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 oh